जिला मुख्यालय के स्थानीय गांधी चौक में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र गौतम सहित संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र गौतम ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में युवा बेरोजगार को 4,000 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की गई एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवा बेरोजगारों को किसी तरह की मदद देने से भी इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम बेरोजगारों को लाभ दे सके और इस संबंध में हमारे द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की वादा खिलाफी के विरोध में युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस के वचन पत्र की अर्थी नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई एवं शहर के हृदय स्थल गांधी चौक में मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम सरकार बनने के बाद 4,000 रुपये प्रतिमाह मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और आज से ठीक 3 दिन पूर्व आप लोगों को भलीभांति ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने वचन से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास न कोई ऐसी व्यवस्था है और न हमने ऐसी कोई घोषणा की। तो लगातार कांग्रेस पार्टी और उन कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार जो अपने वचनों से मुकर रही और मध्य प्रदेश के युवाओं से, किसानों से और सर्वहारा वर्ग से जो शराबा का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र का मुद्दा रखा।